शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा, श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा, श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा, श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा, श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा, श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा, श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः शिवदेवः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम प्राचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्षूत परम मांगलिक ग्रंथ है, आत्मकल्याणकारी है। आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया है, विक्रम की प्रथम शताब्दी में। यह सूत्रात्मक शैली है, भाषा इसकी संस्कृत है। जैन धर्म का संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है सूत्रात्मक, और इसमें 10 अध्याय हैं, जिसमें 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग सूत्र नंबर 15 पहले अध्याय का पढ़ चुके हैं, आज 16 सूत्र पढ़ेंगे। महानुभाव, ये ग्रंथ इतना महान है कि जिस पर संख्यात टीकाएं लिख चुकी हैं, अनेक टीकाएं इस पर हो चुकी हैं। पंडित जयचंद छाबड़ा ने भी भाषा वचनिका आदि नाम की टीका लिखी थी सर्वासिद्धि ऊपर। तो ऐसी इतनी टीकाएं हैं जिसका हम अध्ययन करके अपने ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। आचार्य उमा स्वामी का मूल उद्देश्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करके आत्मा परमात्मा बने, यही मंगल भावना से इन्होंने इस ग्रंथ का अवतरण किया है। आज हम सभी लोग 16 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। आप सभी लोग के घर में जिनवाणी होगी और आपने सूत्र निकाल लिया होगा, सूत्र नंबर 16। बहुविध क्षिप्रा निश्रिता, क्षिप्रा निश्रिता नुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, बहु बहुविध क्षिप्रा निश्रिता नुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, क्षिप्रा निश्रिता नुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसको अपन बोर्ड के माध्यम से इसका संधि विच्छेद करते हुए अर्थ समझते हैं। तो तत्वार सूत्र प्रथम अध्याय पहले अध्याय का 16 नंबर सूत्र है, ठीक है।
बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणाम षष्टी का बहुवचन ध्रुवाणाम सेतराणाम। इस प्रकार से बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, इस प्रकार से सूत्र हुआ। अब इसको दो संधि विच्छेद करते हैं, बहु प्लस बहुविध प्लस क्षिप्र प्लस अनिश्रिता। अनिश्रित देखिए ऐसे आ निकलेगा, अनिश्रित प्लस आ निकलेगा इससे अनुक्त, क्या अर्थ निकलेगा अनुक्त, और इसके बाद प्लस ध्रुवाणाम। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक समस्त पद है। समस्त पद में समास का पद हो जाता है जहां अंत में विभक्ति लगती है, सब में विभक्ति नहीं लगी, अंत में विभक्ति लग गई ध्रुवाणाम, षष्ठी का बहुवचन। ठीक है, और अब इसको तोड़ते हैं सेतराणाम, तो इसकी संधि क्या हो गई, सहा सहा और इतर, क्या संधि निकलेगी इतराणाम, इतर शब्द है और ये षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, प्रत्यय लग गया है, सहा इतराणाम सहा इतराणाम। एक सूत्र और देख लें, सूत्र नंबर पहले अध्याय का 17वां नंबर, इसी के जस्ट वाला, क्योंकि दोनों सूत्र एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो अर्थस्य, सूत्र क्या है अर्थस्य, इसमें संधि है ही नहीं है, अर्थ शब्द है उसका षष्ठी का एक वचन, अर्थ पद पदार्थ। इस प्रकार से यहां पर अपन ने ये सूत्र का उच्चारण देखा। अब क्या लिखा है, बहु एक हो गया, बहुविध दो हो गया, क्षिप्र तीन हो गया, अनिश्रित चार हो गया, अनुक्त पांच हो गया, और ध्रुव क्या हो गया छह हो गया। ठीक है ना, ये छह हो गए। और क्या लिखा है सहा, सहा मतलब वह, सहा मतलब वह, वह क्या मति ज्ञान। अपन पीछे कौन सा सूत्र पढ़ते आए हुए हैं, मति ज्ञान, मति ज्ञान के भेद पढ़े थे, चार प्रकार का मति ज्ञान पढ़ा था ना, अवग्रह ईहा अवाय और धारणा। वो चार प्रकार का जो मति ज्ञान है, वह चार प्रकार के मति ज्ञान में ये छह प्रकार के पदार्थों को जाना जाता है। और सहा इतर, इतर मतलब विलोम, इतर मतलब उल्टे, इतर मतलब क्या होता है आपने पढ़ा होगा, विलोम शब्द होते हैं जो शब्द के उल्टे अर्थ होते हैं वो विलोम हो जाते हैं। जैसे विलोम क्या है, यहाँ बहु है तो बहु मतलब बहुत, तो बहु का उल्टा क्या हो जाएगा अल्प, अल्प लगा लो या एक लगा लो तो उसका अर्थ हो जाएगा एक, तो एक हो जाएगा 7वां नंबर का हो जाएगा। बहुविध है, अब बहुविध का विलोम कीजिए तो क्या हो जाएगा, बहुविध एक विध, क्या हो जाएगा वो एक विध, बहुत विध, विध मतलब होता प्रकार, बहुत प्रकार, और इसका उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा एक प्रकार। और यहाँ पे लिखा है क्षिप्र, क्षिप्र का इतर करो उल्टा करो अक्षिप्र हो जाएगा, क्षिप्र का उल्टा क्या हो जाएगा अक्षिप्र, उसका विलोम हो जाएगा अक्षिप्र। अभी सबका अर्थ समझाएंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन सबका अर्थ बहुत सरल है। अभी अपन सिर्फ सूत्र का अर्थ देख रहे हैं, और इनका क्या शाब्दिक अर्थ है, इनका क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। फिर दिया है अनिश्रित, तो अनिश्रित का विलोम करेंगे तो निश्रित हो जाएगा, आहट जाएगा तो निश्रित हो जाएगा। ठीक है ना, फिर लिखा है अनुक्त, और अनुक्त का विलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा उक्त, उक्त हो जाएगा, तो उक्त और अनुक्त है। तो इस प्रकार से यहां लिखा है ध्रुव, अब ध्रुव का अपन क्या करेंगे विलोम करेंगे तो अध्रुव क्या हो जाएगा अध्रुव। तो इस प्रकार से छह तो हो गए सीधे और छह हो गए इतर, इतर मतलब विलोम उल्टे, तो कितने हो गए 12, कितने हो गए 12। तो ये 12 जो पदार्थ हैं सहा उस मति ज्ञान के ही जानने के पदार्थों के भेद हैं। इसको सूत्र दिया है अर्थस्य, क्या दिया है अर्थ मतलब पदार्थ, ये अर्थ हैं, ये पदार्थ हैं, ये सब क्या हैं पदार्थ को जानने के भेद हैं। ये 12 प्रकार से हम पदार्थ को जान सकते हैं, मति ज्ञान के बल से ये 12 प्रकार के पदार्थों को हम जान सकते हैं। कोई
कोई बहु जानता है, कोई बहुविध जानता है, कोई क्षिप्र जानता है, कोई अनुसृत जानता है, कोई अनुक्त जानता है, कोई उक्त जानता है, कोई ध्रुव जानता है। इस प्रकार से 12 प्रकार से हमारा जो ज्ञान की शक्ति है, आत्मा की जानने की शक्ति है, वो 12 प्रकार के पदार्थों को जानने की शक्ति है। इसी 12 पदार्थ में अवग्रह भी होगा, ईहा भी होगा, अवाय भी होगा और धारणा भी होगा। जैसे हमने कल आपको बताया था कि ज्ञान की जो प्रथम पदार्थ से मिलने की जो प्रथम वेला है उसे कहते हैं अवग्रह। विशेष जानने की जो इच्छा होती है उसे कहते हैं ईहा। किसी विशेष चिन्ह के माध्यम से पदार्थ का निर्णय हो जाने का नाम अवाय। और कालांतर में उस बात को कभी भूलना नहीं, उसका नाम होता है धारणा। तो मति ज्ञान जो ज्ञान की शक्ति है वो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इस 4 प्रकार से है। और उन 4 प्रकार में बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव, और इनका उल्टा एक एकविध, अक्षिप्र, निश्रित, उक्त और अध्रुव। इस प्रकार से 12 प्रकार के अर्थस्य जो अर्थ हैं पदार्थ के, ये भेद हैं। और इन 12 प्रकार का पदार्थ का ज्ञान हम आर्य आत्मा जो है जान सकती है, उसे ही मति ज्ञान कहते हैं। उसे मति ज्ञान कहते हैं कि मति ज्ञान का इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इसके विषय में अपन और समझने के लिए आगे चलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री, अर्थ किसे कहते हैं? 17वां नंबर का जो सूत्र है उसमें लिखा है अर्थस्य, अर्थ शब्द आया है। अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं अलग अलग प्रसंगों में। अर्थ मतलब होता है पदार्थ भी, अर्थ मतलब धन भी, अर्थ का मतलब स्वरूप भी। तो अनेक अनेक प्रसंगों में इसका अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ पर जो अर्थ शब्द आया हुआ है सूत्र नंबर 17 में, अर्थस्य, अर्थ मतलब पदार्थ है। जो ये 12 प्रकार की जो अपन ने वस्तुएं पढ़ी हैं वो पदार्थ हैं। आचार्य भगवान ने ये सूत्र इसलिए यहाँ पर दिया क्योंकि किसी को भ्रम ना हो जाए कि ये ज्ञान के भेद हैं। ये ज्ञान के भेद नहीं है 12 प्रकार के, ये पदार्थ के भेद हैं। पदार्थ के कारण ज्ञान के भेद हो जाते हैं। हम जैसे जैसे हमारी ज्ञान की शक्ति बढ़ती है, जितने 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 पदार्थों को जानने की, उसके नाम से ये भेद पड़ जाते हैं। इसलिए मति ज्ञान के 336 प्रकार के भेद भी हो जाते हैं पदार्थों की अपेक्षा, जानने की शक्ति की अपेक्षा। तो यहाँ पर अर्थ का अर्थ लेना है पदार्थ बोलो, द्रव्य बोलो या वस्तु बोलो, यहाँ पर इसका ये अर्थ लेना है। अर्थात 12 प्रकार का जो अर्थ है पदार्थ है, इसके द्वारा जो जाना जाए वह अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा पूर्वक। तो इसका अर्थ यहाँ पर पदार्थ है। नमोस्तु गुरुदेव। महर्षि, हम मति ज्ञान के बल से क्या क्या जान सकते हैं? मति ज्ञान के बल से हम 12 प्रकार की चीजों को अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के माध्यम से जान सकते हैं। हम इन 12 प्रकार के पदार्थों को कैसे जान सकते हैं, अभी इसके बारे में विस्तार से अपन बताएंगे। ये सब 12 प्रकार के पदार्थ मति ज्ञान के विषय भूत हैं। इसके विशेष जानने के लिए शुद्ध ज्ञान हो जाता है। तो शुद्ध ज्ञान के पहले मति ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान के से हम जो अवग्रह प्रथम ज्ञान, फिर उसको विशेष जानने की इच्छा ईहा, फिर निर्णय हो जाना अवाय, और फिर हमारे अंदर बैठ जाना वो बात, ज्ञान घट में बैठ जाना, उसे कहेंगे धारणा। तो मति ज्ञान के पदार्थ जानने के 12 प्रकार के हैं। आइए हम उस 12 प्रकार के पदार्थों का अर्थ समझते हैं। अब आपको यहाँ पर एक स्लाइड दिखाई दे रही होगी और इसमें क्या लिखा है, मति ज्ञान के विषय भूत 12 प्रकार के पदार्थ। एक तरफ लिखा है बहु, दूसरी तरफ लिखा है बहुविध। बहु और बहुविध, बहु मतलब बहुत, बहु का अर्थ होता है बहुत, और बहुविध का अर्थ होता है बहुत प्रकार से, बहुत प्रकार के। तो बहु हो गया संख्यावाचक, बहु क्या हो गया संख्यावाचक, बहुविध हो गया प्रकारवाचक, संख्यावाचक और प्रकारवाचक। हमारा ज्ञान ऐसा हो सकता है हम एक बार में बहुत चीजों को जान सकते हैं, ये हमारा बहु हो गया संख्यावाचक। जैसे एक कोठे में बहुत सारा गेहूं भरा हुआ है तो हमने जान लिया बहु,
तो वो हो गया बहुसंख्यावाचक हो गया, बहुत सारे गेहूं के दाने हैं और हमने एक साथ जान लिया। पर बहुविध में क्या हो जाएगा? प्रकारवाचक, उसमें गेहूं भी है, चावल भी है, अन्य दालें भी हैं, उसको एक साथ जान लेना, ठीक है, वो हो जाएगा बहुविध। जैसे बहुविध में यहाँ पे दृष्टांत दिया है, गाय लिया अपन ने, एक गाय को लिया, अब गाय में बहु में गोरी गाय भी है, सांवली गाय भी है, काली गाय भी है, हरी गाय भी है, नीली गाय भी है, ये एक गाय लिया अपन ने, संख्यावाचक में मात्र गाय लिया, बहुत प्रकार, बहुत सी गाय, बहुत सी गाय, तो वो हो गया बहु। तो हमने एक बार में इस प्रकार से जान गए बहु को, ठीक है ना। और इसमें बहुविध में क्या लेंगे, गाय के साथ भैंस भी ले लिया, बैल भी ले लिया, बकरी भी ले लिया, आदि अनेक जाति के जानवर ले लिए हमने, घोड़े हाथी जो भी हैं उन सबको ले लिया, ये बहुविध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुविध। ये प्रकारवाचक हो गया कि उसमें कितने प्रकार के हो गए, तो अनेक जाति के जानवर आ गए, तो वो बहुविध हो गया। तो किसी को ज्ञान ऐसा होता है बहु, एक साथ एक ही वस्तु कई देखी संख्या रूप में तो उसे पता चल गया, एक को बहुविध प्रकार से वस्तु देखी उसका ज्ञान हो गया। ये सारी की सारी जो बातें चल रही हैं ये आत्मा की जानने की शक्ति की बात बता रहे हैं कि आत्मा कितना पावरफुल है। तो मति ज्ञान भी बहुत पावरफुल है, उससे भी पावरफुल सुत ज्ञान है, उससे भी पावरफुल अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, और सबसे पावरफुल क्या है? केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान तो एक समय में, केवल ज्ञान तो एक समय में लोक अलोक की समस्त वस्तुओं को युगपत जानता है, और अनंत काल पीछे के और अनंत काल आगे के भी वो भी एक समय में जान जाता, मतलब ज्ञान की शक्ति इतनी तीव्र है। तो मति ज्ञान की शक्ति बता रहे हैं कि अपन एक बार में कितना सारा जान गए, ठीक है ना। तो और बहुविध में कितने प्रकार की वस्तुओं को एक साथ हम जान गए, तो हमारे अंदर जानने की कितनी शक्ति है। हम अपनी शक्ति को जानते नहीं हैं, हम शक्ति को पहचानते नहीं हैं। तो आचार्य भगवान ये मति ज्ञान, मति ज्ञान मतलब क्यों? क्योंकि अभी सारा का सारा ज्ञान आवृत है और थोड़ा सा खुला हुआ है। क्या है? थोड़ा सा खुला हुआ है। जैसे सूर्य है तो सूर्य के सामने मेघ बादल आ जाए और थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश आ रहा हो, और पूरे सूर्य को कितना प्रकाश है, पूरे संसार को प्रकाशित कर दे, लेकिन अभी इतना आवरण आ गया कि थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है, जिससे हम थोड़ा थोड़ा सा देख पाते हैं, थोड़ा अंधेरा सा होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अभी हमारी आत्मा सूर्य की तरह है ज्ञान, और उस ज्ञान में कर्म की लेयर है, तो कुछ लेयर हमारी पांच इंद्रिय जीव की कुछ लेयर हट गई हैं, और उनका थोड़ा मति ज्ञान का, तो किसका कितनी लेयर हटी है उसका उतना ज्ञान का उजागर है। तो यहाँ उसी बात को बता रहे हैं कि हमारा मति ज्ञान का विषय देखिए, हम बहु को भी जान लेते हैं और बहुविध को भी जान लेते हैं, हम एक साथ बहुत सारी संख्यावाचक को जान लेते हैं और एक साथ कई प्रकार की वस्तुओं को भी उसी जाति की जान लेते हैं। इसका नाम हुआ बहु और बहुविध। अर्थ समझ में आ गया ना? ठीक है। और इसको अपन अब सेतरा नाम सा इतर इसको उल्टा कीजिए, तो अब यहाँ पे लिखा है, देखिए स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, एक और एक विध, इसका विपरीत विलोम क्या लिखा हुआ है, एक और एक विध। एक में क्या होगा? अभी हमने बहु में गोरी गाय, सामली गाय, काली गाय, अब यहाँ पर बहुत सारी नहीं, सिर्फ एक गोरी गाय। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो एक साथ सबको नहीं जानता हो, काली गाड़ी एक बार में एक ही जानता होगा, उसका ज्ञान इतना कम भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, अल्प भी हो सकता है। तो ये एक ज्ञान मतलब अल्प ज्ञान, मात्र एक गोरी गाय को जानता हो अथवा एक मात्र सांवली गाय को जानता हो, तो वो क्या हो गया? एक। संख्यावाचक में एक आ गया, बहु में तो संख्यावाचक में बहुत आ गया था, ठीक है ना। अब इसमें संख्यावाचक में क्या आ गया? मात्र एक आ गया। और फिर यहाँ क्या लिखा है? एक विध। एक विध, एक विध में क्या लिखा है? एक प्रकार का पदार्थ। एक में तो आ गया एक पदार्थ, एक में क्या आ गया? एक पदार्थ। और एक विध में क्या आ गया? एक प्रकार का पदार्थ, जैसे गोरी सामली गाली आदि गाय जो है एक जाति का एक प्रकार। तो यहां देखो एक विध, और देखा जाए बहु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बहु में भी क्या बोलते कि एक साथ संख्यावाचक में एक ही जाति का आ रहा था, और यहाँ पर एक विध में वही बात आई है कि गोरी सांवली गाय आदि जो हैं एक पदार्थ का प्रकार का एक एक जानना। कैसे जानना?
एक एक जानना, एक एक जानना मतलब उसमें तो एक एक ही जानना है एक विद में, पर है कई अनेक इस बात को। तो इस प्रकार से बहु बहुविध है, एक और एक विद। अब अपन कौन सा चलते हैं, क्षिप्र और अक्षिप्र। कौन सा नंबर का है, क्षिप्र और अक्षिप्र। क्षिप्र मतलब शीघ्रता से, क्षिप्र का क्या होता है शीघ्रता से, और अक्षिप्र का मतलब होता है धीरे धीरे। किसी व्यक्ति को ज्ञान शीघ्रता से हो जाता है और किसी को धीरे धीरे से होता है। किसी व्यक्ति को बोलते ट्रेन में बैठे हुए हैं और कौन सी चीज दिखी वो तुरंत दिख जाती है, और किसी को जब ट्रेन बहुत आराम आराम से चले तो उसे वस्तु का ज्ञान होता है। अभी मैंने यहाँ से पीछी घुमाई इस प्रकार से ऐसे, तो एकदम से कोई नहीं समझ पाता है और एक व्यक्ति समझ लेता है। तो एक का ज्ञान बहुत तेज है, क्षिप्र है, शीघ्रता से पदार्थ को जानना वो क्षिप्र ज्ञान हो गया, और धीरे धीरे पदार्थों को जानना वो क्या हो गया, अक्षिप्र हो गया। पंखे की पंखुड़ियां चल रही हैं तो क्षिप्र वाला जान जाएगा कि इसमें तीन पंखुड़ियां हैं, ठीक है ना, और अक्षिप्र वाला जब रुक जाएंगी धीरे धीरे आएगी तो बोलेगा भैया इसमें तीन पंखुड़ियां हैं, ठीक है ना। तो इसका ज्ञान क्या है, धीरे धीरे स्लो है, मतलब कछुए की चाल है। कैसे है वो, कछुए की चाल से आराम आराम से समझता है। आप लोग देखते भी होंगे जब पढ़ते हैं तो भैया एक को जल्दी समझ में आ जाता है और एक को बहुत आराम से समझ में आता है, बार बार पढ़ने में आता है। तो शीघ्रता से अब जल की धारा पड़ रही है और कोई बोले गिन के बताओ कितनी जल की धारा पड़ी है, तो वो शीघ्र वाला जिसका होगा बिल्कुल ध्यान केंद्रित होगा वो बता देगा कितनी धाराएं पड़ रही हैं। और जिसको ज्ञान कम है, शक्ति कम है, तो वो धीरे धीरे। आप लोग शांति धारा सुनते हैं, किसी को वो एक सुनता सुनता समझ में नहीं आता है और एक को कानों में एक एक शब्द बिल्कुल समझ में आ रहा है कि क्या क्या बोला जा रहा है, तो इसका मतलब उसका ज्ञान कैसा है, क्षिप्र है। कैसा है, क्षिप्र है। और एक का क्या है, जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बस वो अवग्रह कर रहा है बस, बाकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, उसका क्या हो जाता है, अक्षिप्र। इस प्रकार से यहाँ पर क्षिप्र और अक्षिप्र की बात हुई। अब बात करते हैं अनिश्रित और निःसृत। अनिश्रित इसका विलोम क्या हुआ, निःसृत। अनिश्रित मतलब होता है गूढ़, अनिश्रित मतलब क्या होता है, गूढ़। कोई व्यक्ति गूढ़ बात को जान जाता है, ठीक है ना, और निःसृत होता है प्रकट। क्या होता है, प्रकट, जब वो सामने निकल के आए तब जान पाता है। तो अनिश्रित मतलब जैसे कोई जल में कोई डूबा हुआ हाथी है, जल है उसमें कोई डूबा हाथी है, किसी ने पूछा यहाँ क्या है, तो वो तो बता देगा गूढ़ अर्थ, बोले इसमें के अंदर हाथी है, वो समझ गया कि इसके अंदर हाथी है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरे व्यक्ति से बोला पता नहीं है, तो जब वो हाथी सामने निकल के आ जाए तब बताएगा कि भैया ये हाथी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये अनिश्रित और निश्रित, ऐसे ज्ञानी लोग भी होते हैं ना गूढ़ वाले, कि वो तुरंत बात को समझ जाते हैं, गूढ़ बात को भी बता देते हैं, वो अनिश्रित नाम का ज्ञान होता है, ठीक है। और जो निश्रित में जो प्रकट आ जाए, सामने ही आ जाए बिल्कुल, तब जाकर के वो बात को समझा सकता है। तो वो कौन आ रहा है, बोले महाराज जी आ रहे हैं, ये अनिश्रित हो गया। जब सामने आ जाए, अच्छा ये महाराज जी हैं, तो ये क्या हुआ, फिर ये निश्रित हुआ। तो इस प्रकार से इस प्रकार का ज्ञान भी मति ज्ञान के भेद में ही आता है, कि मति ज्ञान ऐसे पदार्थों को भी जान जाता है, गूढ़ पदार्थों को भी जान जाता, जो अप्रकट हैं, जो अप्रकट हैं, उन पदार्थों को जानने वाला भी ऐसा ज्ञानी हो सकता है मति ज्ञानी। और एक ऐसा हो सकता है जब हमारा पदार्थ सामने प्रकट दिखाई दे बिल्कुल पूर्णतः पूर्ण रूप से, तब वो जाने, ऐसा ज्ञान भी हो सकता है, वो कहलाएगा निश्चित। क्योंकि इसका अर्थ ही होता है, निःसृत मतलब होता है खुला हुआ और अनिश्रित मतलब होता है ढका हुआ, खुला हुआ ढका हुआ, समझ में आ गया। एक का गूढ़ हो गया और एक का प्रकट हो गया, इस प्रकार से ये हुआ। आगे लिखा हुआ है अनुक्त और उक्त। अनुक्त और उक्त इसका अर्थ ही है कि अनुक्त मतलब बिना कहा, बिना बोले, और उक्त मतलब बोल करके। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बिना बोले ही अभिप्राय समझ जाते हैं। कोई व्यक्ति थका हारा आया, भाई साहब पानी पी लीजिए, तो ये आपको कैसे पता हम प्यासे हैं, हम समझ गए कि आप कैसे हैं, प्यासे हैं। कोई व्यक्ति आया और महाराज जी ने उनको उपदेश देना प्रारंभ कर दिया, गुरु जी ये तो हम सुनने ही आए थे, हम समझ गए थे कि आप क्या सुनना चाह रहे थे,
आप परेशान थे, आप दुखी थे और आप अपनी समस्या लेकर के आए थे और महाराज ने आपकी समस्या के अकॉर्डिंग ही बोल दिया, तो आपने कैसे जाना? अनुक्त ज्ञान से। कैसे ज्ञान से जाना? कि अनुक्त ज्ञान से, कि आपके हाव भाव आदि हर प्रकार के अभिप्राय को देख करके बिना कहे ही सब कुछ कह देना, समझा देना, बोल देना या समझ लेना, उसको ज्ञान को क्या बोलते हैं? अनुक्त ज्ञान। ऐसे कितने लोग होते हैं? बहुत लोग होते हैं जो समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है। बोले हम आपके नस नस से वाकिफ हैं, ऐसा बोलते हैं ना, हम आपको जानते हैं, मतलब आप क्या बोलोगे, आप क्या कहोगे, इसका क्या रिएक्शन करोगे, इसका क्या एक्शन करोगे, इन सब के बारे में हम जानते हैं। इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, हाथ या सिर के इशारे से बिना कहे हाँ या ना समझना। कोई इशारा नहीं किया, ना हाथ का इशारा, ना आँख का इशारा, फिर भी उसका क्या समझ लेना, हाँ और ना, ये क्या हो गया? बिना कहे। उसका नाम क्या है? कौन सा ज्ञान है? अनुक्त ज्ञान। और उक्त में क्या हुआ? कहा हुआ, भाई मुझे प्यास लगी, पानी ले आओ, मैं बैठना चाहता हूँ, मुझे कुर्सी ले आओ, मैं अभिषेक करना चाहता हूँ, मुझे जल दे दो, मैं महाराज जी को आहार देना चाहता हूँ, मुझे कपड़ा दे दो। तो ये क्या हुआ? ये उक्त कहने के बाद उसको इतना समझ में आता है, तो किसी से ने कहा ये घड़ा है, ये कहने के बाद एक प्रकार से ये उक्त और अनुक्त हुआ। लास्ट है ध्रुव और अध्रुव। ध्रुव मतलब होता है अचल और अध्रुव मतलब होता है चंचल, विनाशक। जो ज्ञान ध्रुव हो, बहुत काल तक स्थायी हो, और जैसे पर्वत आदि, तो ऐसे हमारा ज्ञान हम एक साल बाद पूछें, दो साल बाद पूछें, दस साल बाद पूछें, तो वो हमको याद रहे, वो कहलाएगा ध्रुव। और अध्रुव मतलब अभी सुनाया और भूल गए, पता ही नहीं है, पता नहीं चला, वो चंचल ज्ञान, वो क्या हो गया? अध्रुव। क्षण स्थायी, बिजली की तरह, बिजली आई और गई, ऐसा हमने समझा और भूल गए, चला गया, तो वो होता है अध्रुव। इस प्रकार से ये 12 प्रकार का ज्ञान हुआ, ध्रुव और अध्रुव मिला करके। और ये 12 प्रकार का जो पदार्थ है, इससे हमें अपनी ज्ञान की शक्ति पता चलती है, और इस शक्ति से यदि हमारी शक्ति यदि तीव्र है, अच्छी है, तो हमें सम्यक कार्य में लगाना चाहिए, सम्यक बुद्धि बढ़ाना चाहिए, और अपने आत्मा का जितना बढ़िया कल्याण हो सके उस मार्ग में बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से बहु बहुविध, एक एक विध, क्षिप्र अक्षिप्र, उक्त अनुक्त, ध्रुव और अध्रुव, इस प्रकार से ये कितने प्रकार के हो गए पदार्थ? 12 प्रकार से पदार्थों को जानने की आत्मा की शक्ति। इन 12 प्रकार के पदार्थों में अवग्रह भी है, ईहा भी है, अवाय भी है और धारणा भी है, और विशेष अपन समझेंगे। अब हम सब लोग जन्मानी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारु जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्म पत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिंपल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हादविक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।